मोटी सो रही है, बहुत जोर जोर से खर्राटे दे रही है, कह रही मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ। आवाज आ रही है, देखा आप लोगों ने, उससे कह रही थी तुम सोते पे बहुत खर्राटे लेती हो, और ये क्या कर रही है, सुन लिया शायद, चुप हो। हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। हम कल के आए हुए हैं यहाँ अभी घर पे, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं राजस्थान बालाजी, और ये बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं। नहीं वो है लोहे कूटने वाला, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसीलिए ये ज्यादा शैतानी कर रहा है। और वो अदरक कूट रही थी जानबूझ के, अदरक नहीं कूट रही है। ये लोग तैयार है बालाजी निकलने के लिए, तीन लोग जा रहे हैं। गाइस तीन नहीं, बैग कहाँ है? मैं भी आ रहा हूँ। बैग उठाओ, इसमें मेरा भी सामान है। चलो गाइस ये नहीं जा रहे हैं, थोड़ा मैं भी नहीं उठा रहा। ये लोग जा रहे हैं, जो जा रहा है वो उठा रहे हैं। जय जय श्री राम। पकड़ो, ये लोग जा रहे हैं बालाजी, इनकी चाय बनी रखी है। कहाँ जा रहे हो तुम? 50 और के दिन दिए मामा, ऑनलाइन कर दो पेमेंट, क्यों परेशान हो यार? चलो हमारे खाते में कर दियो। ठीक है, ठीक है, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। फोन करना वहाँ पहुँच के, आगे बढ़ लो बच्चा। हाँ दूसरे को निकलने को ले जाओ, निकल के आगे। बाय 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 बाय। जा रही है किन्नू? जा रही है कन्नो? नहीं जा रही है, कन्नो जाएंगी पेपर देने। हाँ इनके पेपर के चक्कर में एक बार संजू ने प्लानिंग करी थी कि चलो सब गाड़ी से। कल कहाँ है पेपर? इनका कल पेपर है, हम जा रहे हैं। अब शनिवार है, कल बुद्धू 11 तारीख है। इनका कल इंग्लिश का पेपर है, इनके चक्कर में हम भी नहीं जा पाए। हम लोग जा रहे हैं घर पे, और मामा ये एक्टिवा निकाल रहे हैं। तो फैची है हाँ, वो कपड़े वाले अंकल है, उनकी भी फैची है, लेकिन उनके मीटर में ऐसे वो बने, एक इधर बना एक ऐसे ऐसे। ओके, घर अन्ना हमारे साथ आया है, भाभी और मम्मी आ रही होंगी पीछे। मैं कनिष्का के चक्कर में जल्दी चली आई, कनिष्का आके कोचिंग चली, क्योंकि उसका कल इंग्लिश का पेपर है तो मुझे आना पड़ा। और राज और ये सब तो आपको पता ही है, राजस्थान गए हैं, तो मैं उसके पेपर के चक्कर में आ गई हूँ। और कल हो सकता है, हो सकता है, अभी पक्का नहीं है, हो सकता है कि मैं अपनी ननद के घर जाऊं होली मिलने। लेट हो गए आज, हम दवाई लेके जा रहे हैं, सब पार्टी हो रही है। भाभी को हो रही थी खांसी की शिकायत, तो मैंने अपने साथ ले आई, और यहाँ मैंने इन्हें दवाई दिला दी है, और हम जा रहे हैं। बहुत लेट हो गए हैं, 9 बजे का टाइम है, ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचने ही वाले हैं घर। मेरा तो अर्नब कहता मम्मी यही मकान लो, हाँ तुम अपना वहाँ का भेज दो, लेकिन उसके डैडी नहीं मानते हैं।